तौबा चेक सिंह से राणा काशिफ इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक तौबा चेक सिंह पुलिस अपने महदूद वसाइल और कम नफरी के साथ जुराइम पर काबू पाने के लिए दिन रात कोशा है। इनके हालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने आज एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इनके हालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने आज एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि जिले पुलिस ने चेक नंबर 295 गाफ बे में बाप को कत्ल करके इल्जाम मुखालिफिन पर लगाने वाले बदबख्त बेटे को गिरफ्तार करने के अलावा थाना सदर कमालिया में 80 के जोर पर रिक्शा ड्राइवर को कत्ल करने वाले बैनुल इजलाही मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि थाना सदर गोजरा के इलाका में दौरान डकैती एक स्कूल टीचर को कत्ल करने वाले मुलजमान को भी कर लिया गया। सैयद करार हुसैन ने कहा कि पुलिस ने 665 मुलजमान को गिरफ्तार करके 31,78,000 रुपए की रिकवरी भी की, जबकि 207 इश्तिहारी मुलजमान और 61 अदालती मफरूर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और जिला भर में नजायज असले के 67 मुकदमात दर्ज करके मुलजमान को पाबंद सलासल किया गया। इसके अलावा मुतअद्दिद बिजली चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने कहा कि तौबा चेक सिंह पुलिस ने रीजन भर में सबसे ज्यादा रिकवरी की है। सहाफियों के सवालों के जवाब देते हुए DPO ने कहा कि जराइम को जड़ से उखाड़ फेंकना नामुमकिन है, लेकिन बेहतर हिकमत अमली से जराइम में कमी जरूर लाई जा सकती है।